इसके संबंध में एक ही लाइन बोलूंगा, जो ये कह रहे हैं कि बचेंगे तो कटेंगे। पहला प्रश्न ये है कि कौन बोल रहा है कि बचेंगे तो कटेंगे, ठीक है। इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, हिंदू है ना। गृह मंत्री कौन है, हिंदू है ना। दोनों गुजरात के है ना। मंत्रिमंडल में ज्यादातर लोग हिंदू है ना। तो ये जो मैसेज है बचेंगे तो कटेंगे, ये मैसेज सांप्रदायिक उन्माद में जहर फैलाने का काम कर रहा है। यानी अभी तो लोग एक हैं, बट कौन रहा है? जो लोग बोल रहे हैं कि बचेंगे तो कटेंगे, वही लोग हैं जो समाज में सांप्रदायिक जहर फैला करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू समाज एक मंच पर आए तो मुसलमानों में यह मैसेज जाएगा कि हमसे घृणा की जा रही है। इस देश की आजादी में केवल कोई अगर तथाकथित हिंदू ये कहता है कि मैंने योगदान दिया, मैं कदाप इस बात में विश्वास नहीं करता। इस देश की आजादी में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो और अति पिछड़ी जाति का हो, प्रत्येक आदमी ने देश की आजादी में योगदान दिया और ये देश आजाद हुआ। चंद लोग इस देश में जबरदस्ती अपनी भावना के अनुसार मनपसंद धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, दुनिया का सृष्टि का मालिक या दुनिया के 33 करोड़ देवता भी अगर चाहें कि हम मनमानी करके पूरे समाज को अपनी बात मनमानी के लिए मंजूर कर दे, मजबूर कर दे, उनके बाप भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले आदमी को दूसरे आदमी पर शासन करने के लिए अपने पर अनुशासन करना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, अपनी तृष्णा को त्यागना पड़ेगा, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तलवार के बूते पर जितने भी शासक आए वो कभी सक्सेस नहीं हुए। थे अरस्तु और लुकमा और अबला तू अकीम, मौत की दारू न लाए यार वो भी चल बसे, जिनका हम जमी पर कस, जिनका हम आज करते हैं बयां, कल लोग हमसे कहेंगे यार वो भी चल बसे। जिन जिन लोगों ने कत्लेआम किया अपने सेंसाई को स्थापित करने के लिए, सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति जिसे चड्डा अशोक कहा जाता था, उसने तमाम लाखों लोगों को मारा लेकिन अंत में अहिंसा के मार्ग पर आया। अगली माल जिसने लोगों को काटा, अंत में बुद्ध के एक संदेश से अहिंसा के मार्ग पर आया। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली जिसे अर्थशास्त्र पूरी सेना के द्वारा भी हासिल नहीं कर सका, उसे जब अपने रूप का आभास हुआ तो बुद्ध की शरण में गई, अजातशत्रु भी गया। ये धरती बुद्ध की धरती है, धर्म मानव के लिए है, मानव मानव के लिए जिए। एक बात मैं कह रहा हूं, जब दुनिया में मानव नहीं रहेगा, जब दुनिया में मानव की हत्या कर दी जाएगी तो कौन भगवान को पूजेगा, कौन मस्जिद में जाएगा, कौन चर्च में जाएगा, कौन गिरजाघर में जाएगा, कौन देवताओं की पूजा करेगा, कौन देवियों की पूजा करेगा। इसलिए भारत के सिर्फ लोगों से जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जातवाद फैलाना चाहते हैं, जातवाद का जहर फैलाना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं, बटो मत एक रहो, जानवर भी एक रहते हैं, जो ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनसे मैं ये कहता हूं देश की अखंडता के लिए लोगों से कहो, मेरे देश के लोगों हम सब एक रहे, मजबूत रहे, संगठित रहे, ताकि दुनिया की कोई दूसरी शक्ति हमारे देश की तरफ आग उठा के नहीं दे। वो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं और लंबे अरसे से शासन कर रहे हैं, उनकी करनी कथनी में कितना अंतर है, उन्होंने क्या क्या वायदे किए ये जनता जानती है कि उन्होंने पूरे किए या नहीं किए। झूठे आश्वासन देने वाले लोग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, धोखा देने वाले लोग हों, समाज का शोषण करने वाले हों, समाज को भ्रमित करने वाले हों, समाज को यानी अपनी राजनीति का शिकार बनाने वाले लोग हों, या नैतिक दृष्टि से अनैतिक दृष्टि से चाहे वो आदमी जुल्मी है, अपराधी है या नहीं है, जबरन उनके मकानों को तोड़ देना या लोगों को हत्या करा देना, किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, मैं देश के तमाम लोगों से कहूंगा, महाराष्ट्र के लोगों से कहूंगा, जाग जाओ, तुम्हारे वोट की एक कीमत बहुत बड़ी कीमत है, इसलिए उस वोट का
इस तरह से प्रयोग करो ताकि गुंडागर्दी, ताकि दादागिरी, ताकि राजनीति का विद्वेष, ताकि जातिवाद, ताकि छुआछूत, ताकि मानव का शोषण, मानव उससे बच सके, ऐसे इंसान को बोलो। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी, हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।